तो वही हाथरस में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहाँ मैक्स वाहन और जनरल बस की टक्कर हो गई। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, इनमें 15 एक ही परिवार के हैं, 10 घायल हैं। मरने वालों में 4 बच्चे, 4 महिला और 9 पुरुष शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मैक्स सवार 40वें से लौट रहे थे, तभी सामने से रोडवेज आकर भिड़ गई। टक्कर के बाद मैक्स पलटी खाते हुए सड़क किनारे में गड्ढे में जा गिरी। लोग उछल कर कभी 20 फीट दूर जा गिरे। कुछ लोग घायल हुए तो कुछ लोगों ने खेतों में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। हादसा गांव मितई के पास हाईवे पर हुआ। वहीं सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वही पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख जबकि घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। सीएम योगी ने घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। इसमें इंजरी जो है, इंजर्ड है अभी 16 इंजर्ड लाए गए थे, जिसमें से 4 को रेफर किया जा चुका है और 6 उपचार कर रहे हैं। ये कहाँ से जा रहे थे, कहाँ पर, कहाँ से रहने वाले सभी? इसमें ये एक्सीडेंट मीटी में हुआ है। ये यहाँ पे सासनी हाथरस से खंडौली आगरा जा रहे थे, दावत से जा रहे थे, छोटा काटा मस्जिद में सवार थे। तत्काल ही घायलों की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है एवं जो ड्राइवर की गिरफ्तारी उसमें नहीं, अभी इसको सुनिश्चित नहीं करा जा रहा, अभी शिनाख्त करी जा रही है, उसको पहचाना जा रहा है और जो भी इसमें दोषी बचे। इसमें कितने बच्चों की तादाद हुई है?